फार्म रीडिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रियल हैंड एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो इनके बारे में मैंने पहले ही बात किया है, आज मैं आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहूंगा कि इस व्यक्ति के हक में क्या क्या विशेषताएँ पाई गई हैं और क्या क्या गुण हैं जो सभी को जानना चाहिए। चलिए जानते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले बता देता हूँ कि हमारे हाथ में चार मेजर लाइन्स पाई जाती हैं। ये है हृदय रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा, ये है लाइफ लाइन जिसे जीवन रेखा कहते हैं, और ये है भाग्य रेखा। तो हमारे हाथ में ये चार मेजर लाइन्स होती है और इन सब का डिटेल में भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हृदय रेखा है। एक सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। आप जैसे देख पा रहे हैं इस हृदय रेखा में काफ़ी आपको अपवर्ड साइन दिख रहे होंगे। तो ये अपवर्ड साइन आपके इमोशंस के पॉजिटिविटी को दर्शाता है। इसमें आप जान सकते हैं कि व्यक्ति अपने इमोशंस के थ्रू काफ़ी पैसा कमा सकता है और एक इमोशन जो होगा आगे जाके बहुत विकसित होगा, जिससे कि लोगों की भावनाओं का असर इन पर होता है और ये भी काफ़ी भावनात्मक पूर्वक काम करते हैं। और इनके आप मस्तिष्क रेखा देखें तो ये बहुत ही स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा है, थोड़ा सा आगे जाके कर्व नेचर आया है। तो उसका मतलब ये है कि व्यक्ति बचपन से ही बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रखने वाला होता है। और आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन जो है ये जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई है, ना कि मस्तिष्क रेखा के साथ। यहाँ से स्टार्ट शुरू हुई है और कंटिन्यू हुई है, अंदर तक गई है। तो कहते हैं अगर पूरा कर्व नेचर अगर होता है तो व्यक्ति जहाँ पे जन्म लेता है व्यक्ति का अंत भी वहीं पे होता है। तो इनमें फॉरेन ट्रैवल्स के योग हैं और ये फॉरेन ट्रैवल भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ब्रांच में स्प्लिट पाया जाता है, एक एक टाइम पे ब्रांच पे स्प्लिट पाया जाता है। जैसे आपको मानना पड़ेगा कि ट्रैवल करने का योग है बट सेटलमेंट नहीं है उस लाइफ में, वो फॉरेन ट्रैवल में। तो और भी बताना चाहूँगा इनके भाग्य रेखा के बारे में। इनका भाग्य रेखा अच्छा है बट थोड़ा सा ये एकदम क्लियर नहीं है, बट के भी है बट इनका लाइन काफ़ी अंत तक गया है। तो आप इसे जान सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ सकती है ज़िंदगी में, वो सभी की ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी तो आती ही है, पर इनकी ज़िंदगी में भी जो आएंगी ये कठिनाइयों को पार कर लेंगे और आगे जाके ये हो सकता है कि शुरुआत में किसी एक चीज़ में काफ़ी अच्छे हो, बाद में आगे जाके एक से ज़्यादा चीज़ों में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और इनके हाथ में एक अच्छी लाइन भी पाई गई है जो ये रेयर मार्किंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिश सिंबल है और कह सकते हैं कि बॉक्स सिंबल है, पर अगर हम कहे जाए तो गुरु पर्वत पे अगर ये पाया गया है तो बहुत ही अच्छा सिंबल है ये। बिकॉज हम लोग जैसे कि गुरु पर्वत की जो भी विशेषताएँ जो होती हैं वो एम्बिशियस नेचर, टीचिंग फील्ड, मैनेजमेंट, लोगों को अपने बातों से सहमत कराना, ऐसी ऐसी चीज़ों में काफ़ी काफ़ी गुणी होते हैं। अगर ऐसे अगर आपके हाथ में है तो आप मैनेजमेंट में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसा सिंबल है तो आप इसी चीज़ों में ट्राई करके आप उसमें काफ़ी सफल बन सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्टेज पे जाके बोलेंगे, वहाँ के स्पीकर बनेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज आप में वो क्वालिटीज़ होंगी, आप उसको एक्सप्रेस करें लोगों के सामने और अपने जो अंदर की क्वालिटीज़ को है वो उभारें। और मैं कहना चाहूँगा इनके मनी लाइंस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकल लाइंस है, तो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि आपके हाथ में मनी मैटर्स के हिसाब से आपके हाथ आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्स है। और ये है एक सन लाइन जिसमें आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जो भी अपना काम करेगा वो वर्ल्ड वाइड जाना जाएगा काम। तो ये भी एक अच्छा सिंबल इनके हाथ में पाया गया है। और कहना चाहूँगा मैं उनके हाथ के बारे में, ये देखिए एक ट्रायंगल एक फॉर्म हुआ है, कंप्लीट ट्रायंगल है ये। तो ऐसा ट्रायंगल होना भी अच्छी बात है। तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति प्रॉपर्टीज बनाता है, जिसे कहते हैं कि अभी ये अपने अपने ये इनका हेडलाइन ही है। ये करियर लाइन काफ़ी रेयर होता है बट ये हेडलाइन ही है इनका। अगर आप कहें जाए तो ये अपने ड्यूअल थिंकिंग नेचर्स की एबिलिटीज के साथ साथ अपना एक काम ज़रूर ऐसा करेंगे जिसकी वजह से इनका प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगा। तो ये इंडिकेशन भी बहुत रेयर होता है, ये इनके हाथ में है तो ये लकी है। अगर ये
जाते कि अपने प्रॉपर्टी मैटर्स और अपने दिमाग की सूझबूझ से वो पैसा कमाएंगे। तो इनके हाथ में ये सब लकी साइंस है, और यहाँ पे वर्टिकल लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये भी एक लकी मार्किंग है। ये फॉरेन ट्रैवल्स के योग को दर्शाता है और कहता है कि आप जल या फिर दूसरे जल के उस पार यात्रा करेंगे, ऐसा योग आपके हाथ में होता है। और यहाँ पे जो आपको साइन इंडिकेट होता है, जो लाइंस होती है, ये एक सिबलिंग्स की लाइन होती है, और इनके हाथ में ये माउंट काफ़ी डेवलप्ड है। ये वेल डेवलप्ड माउंट है, तो इनमें पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इनका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा अच्छा होगा, इसकी वजह से लोग इनके पास आएंगे। तो इनमें वो क्वालिटीज़ ज़्यादा अच्छी है, वो एक्सप्रेसिव है ये बहुत। तो और इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइंस है लाइफ लाइन में, तो ये इंडिकेट करती है कि एक एक एज में इनका ज़िंदगी में कुछ बढ़ोतरी होगी और इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इनको फ़ायदा स्टेटस के हिसाब से हो सकता है, मनी मैटर्स के हिसाब से हो सकता है, या फिर बहुत जैकपॉट जैसा कुछ मिल सकता है इनको। तो ये सब इंडिकेशन इनके हाथ में देख पा रहे हैं। और इनके एक रिलेशनशिप प्लान के बारे में कहा जाए तो ये इनकी शादी 25 के बाद ही होगी, जैसे कि 28-30 ये उम्र उनका शादी का योग का है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी वर्टिकल लाइंस इनके हाथ में पाया गया है। तो ऐसा कहते हैं कि ये वर्टिकल लाइन अगर होती है तो ये शुभ चिन्ह होता है। इसका अर्थ होता है कि ये जो भी अपने हाथ है, हाथ की उंगलियों में, ये समझिए कि गुरु पर्वत है, शनि, सूर्य और ये बुध पर्वत है। तो ये बुध पर्वत के नीचे जो अपना ये बुध की उंगली के नीचे जो पर्वत होता है, इसकी क्वालिटी को अचीव करने के लिए ये वर्टिकल लाइन काफ़ी सहायता देती है। अगर आपके हाथ में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसका मतलब वो होता है कि किसी भी माउंट की क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपको उसमें प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके हाथ में वर्टिकल लाइंस है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपको किसी माउंट की क्वालिटी को अचीव करने को प्रॉब्लम नहीं होता है, काफ़ी आसानी से उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। तो वो एक अच्छा सिंबल होता है, आपको अड़चने कम आती हैं। और इनके हाथ में देखा जाए तो शुभ चिन्ह ट्राइंगल है, स्क्वायर है, और ये फिश साइन है, तो काफ़ी आगे तक जाएंगे। एम्बिशियस नेचर है इनका, और ये अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग माइंड के हिसाब से काफ़ी आगे तक जाएंगे। और आप देख पाएंगे कि ये हार्ट लाइन दो भागों में डिवाइड हुआ है। तो इसका अर्थ होता है कि इंसान इमोशंस में बचपन या फिर अपने थोड़े एज में, किसी एक एज में इमोशंस को लेके थोड़ा ट्रबल उनकी लाइफ में हुआ रहता है, बट वो इस ट्रबल से रिकवर हो जाते हैं और उनका इमोशन स्ट्रांग हो जाता है। तो ये विष्णु सिंबल है, वी सिंबल जिसे कहते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके भी हाथ में है तो आप भी लकी हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी पाम रीडिंग करवानी है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप उस फेसबुक पेज के जरिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी रीडिंग्स मुझसे ले सकते हैं। धन्यवाद।